नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपीएन न्यूज़। वीपीएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, मैं रिश्मा सेठ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर हम नज़र डालते हैं। बनारस बार के सभागार से में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अधिवक्ताओं का बैठक। सेंट्रल बार बनारस बार के संयुक्त तत्वाधान में भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर अधिवक्तागण दो दिनों से कार्य बंद करके विरोध कर रहे हैं। तो वहीं बनारस बार बार के अध्यक्ष ने बताया कि आजकल जो जज बनकर आज आ रहे हैं वह हम वकीलों का उत्पीड़ित कर रहे हैं। इसी सब को लेकर हम लोग कार्य सिक्के से रत हैं और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग कार्य नहीं होने देंगे। विनोद कुमार पांडे, अध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। विनोद जी, जिस तरह से संजय बार बनारस बार ने आह्वान किया था कार्य विरत नहीं, देखने को नहीं दिख रहा है कहीं भी कोई कार्य विरत से। नहीं नहीं, आपने देखा नहीं कि कोई अधिकारी, हम लोग आज दूसरे दिन हड़ताल पे हैं, कोई अधिकारी दोनों दिन एक भी अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्य से विरत हैं। अधिकारियों का भी सहयोग है, वो लोग बैठ नहीं रहे हैं और अधिवक्ता पूरे मनोयोग से चाह रहे हैं कि हम लोगों की हड़ताल 100% सफल रहे। और है मांग क्या है आप? मांग ये है कि अधिकारी पहले ये समझें कि हमारे बीच अधिवक्ता भी हैं, वो भी एक कोर्ट के पदाधिकारी हैं, कोर्ट के हिस्सेदार हैं, उनके साथ मान सम्मान व्यवहार और जो अनियमित कार्यक्रम है या तो उन्हें जानकारी नहीं है, खासकर मुंसब को, सिविल जज को, वो लोग मनमाने तरीके से जो मन हो रहा है वो आर्डर आदेश पारित कर दे रहे हैं, जो मन हो रहा है कागज़ फाड़ दे रहे हैं, जो इंडेक्स मन हो रहा है काट दे रहे हैं। इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी और कुछ शिकायतें तो प्रमाण के साथ आ गई हैं। इतनी अनियमितता है उनके यहाँ, इतनी अनियमितता है कि जिसका या तो उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, न सीखने की रुचि है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीखने का प्रयास करें। देखिए, कोई परीक्षा पास करके पूर्ण नहीं होता है, यह प्रैक्टिकल है। आप अगर काम में आए हैं तो प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल का नॉलेज धीरे धीरे ही होता है। आज के युवा अधिकारियों में, न्यायिक अधिकारियों में यह भ्रम है कि हम पूर्ण हैं। उनका व्यवहार तो मतलब हर दर्जे का व्यवहार है, सीनियर के सम्मान की तो उनके दिमाग में सोच ही नहीं है, और यह अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हम लोगों के लिए पीड़ादायक है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुज अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता का सम्मान न हो, वहाँ हम काम कैसे कर सकते हैं। मांग क्या कर रहे हैं? 10-10 मिनट हो जाइए। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। आज ये जो लड़ाई हमारी हड़ताल की चल रही है, हमारे पदाधिकारीगण, बनारस बार के अध्यक्ष माननीय पांडे जी, महामंत्री विवेक सिंह जी, सेंट्रल बार के महामंत्री कन्हैया पटेल जी के नेतृत्व में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपमान के खिलाफ। रात दिन हम न्यायिक अधिकारियों को सुबह से शाम तो हुजूर सरकार करते हैं, जबान पतली हो जाती है, लेकिन बदले में हमको अपमान मिलता है, इस बात का हम लोग को कष्ट है। आपने कहा हानि क्या हो गई, तो हम तो कालीदास हैं, जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं, हड़ताल करते हैं मजबूरन। अगर ये अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण काम करें तरीके से, अधिकारी बनकर ये दबाव बनावें, तानाशाही न करें, तो आराम से काम हो सकता है। हम अधिवक्ता समाज थोड़े में जीते हैं, अपने नुकसान का हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अधिवक्ता समाज के, जनहित के, जनता की बात को करते हैं, अपने अपमान को, नुकसान को। मैं कन्हैया लाल पटेल, महामंत्री दी सेंटर बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। हम लोगों ने बनारस में व्याप्त न्यायिक अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर के हम लोग आक्रोशित हैं, और तमाम पत्र लिखने के बाद, तमाम बैठक करने के बाद, उनको समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, तब उनके अड़ियल व्यवस्था पे के कारण हम लोगों को हड़ताल पे जाना पड़ा, और आज हम लगातार 3-4 दिनों से हड़ताल पे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो ये हड़ताल अनवरत चल सकता है।